आप एक चीज भूल रहे हैं, केवल परमेश्वर ने इजराइल लोगों को लहू लगाने नहीं कहा था, कहा था उसके मीट को भूनना, ठीक है, बारबेक्यू होना चाहिए, भून कर खाना। लेकिन खाना कैसे? कमर बांधकर, जूते, लाठी। इसका मतलब जानते हैं, आप खा रहे हैं ये जानते हुए कि अब आपका आजादी का समय है, अब हमको यहां से निकलना है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, जब आप उसके लहू में शामिल होते हैं, जब आप रोटी तोड़ते हैं, आपको पता है कि आप एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर जाने पर हैं। सवाल है कौन से जगह पर, कहां पर आप जा रहे हैं? इजराइली लोग कहां जा रहे थे? दूध और मधु बहने वाले देश में। हालेलुया, ये हमारा फसह है जिसके कारण हम एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर जाते हैं। कौन सा जगह पर? दूध और मधु बहने वाले जगह पर। ये केवल संभव हो सका मसीह के कारण। यू सी, मेनी क्रिश्चियन डोंट रिकॉग्नाइज दैट क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट हनी एंड मिल्क। मसीहत, कई लोग इस बात को नहीं समझते कि मसीहत नाम ही है दूध और मधु, दूध और मधु। मसीहत का मतलब ही है दूध और मधु। जब आप मसीह के पास में आते, इसीलिए आप आजाद किए जाते हैं बीमारियों से, गरीबी से, बंधन से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप उस दूध और मधु से ले सके। लुक एट योर, आई एम सेइंग, अपने पिता के वचन को देखो, कहता है वो तुम्हें ऐसे देगा दबा दबा के, हिला हिला के, गिरने योग्य। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमको ये नहीं कहता है कि दूध और मधु वाला देश, वो कहता है दूध और मधु बहने वाला देश। आमीन, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट हनी एंड मिल्क। माय गुडनेस एंड माय गुडनेस, यू नो, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को हमेशा बोलते हैं, अरे दुख से ना, दुख से। मुझे पता नहीं क्यों क्रिश्चियन लोगों ने मसीहत को ना एक ऐसा रूप दिया है जिसमें वो केवल हारा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, यू नो, देयर लॉस एंड देयर डेथ। मसीह लोगों ने शुरुआत कर दिया इसको ग्रहण करना, घाटे को, मृत्यु को। उनको लगता है ये हमारे जीवन का भाग है। नो, यू हैवंट एक्सपीरियंस मसीहत को, आपने अच्छे से अभी अनुभव नहीं किया। मसीहत का मतलब है विजय का जीवन। मसीहत का मतलब है महिमा। मसीहत का मतलब है प्रकाशन। मसीहत का मतलब है राजा। मसीहत का मतलब है जीवन, समृद्धि, शांति, शालोम। हालेलुया, इसका मतलब यही है। लेकिन कुछ लोगों ने मृत्यु को स्वीकार लिया, कुछ लोगों ने हारना, हारेपन को स्वीकार लिया। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको पता होना चाहिए मेरा जीवन, मेरा जो देश है उसी तरफ है, इधर नहीं है, उधर है। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है, आज खाओ यहां पर बैठकर, लेकिन कमर बांध कर खाना। क्यों? सफर लंबा होने को है। द फैक्ट इज, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, यू कैन डिनाय दैट। सच्चाई तो यह है, समस्या रहेगी। आप जानते हैं दूध और मधु बहने वाले देश में एक समस्या थी, क्या? जायंट्स थे वहां पे, राक्षस थे। वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जानते हैं, कालेब के जैसे, परमेश्वर तू हमें सुनो, ऐसा करो ये पर्वत हमें दे दो। अगर परमेश्वर ने भूमि वो हमें दी है, तो उस दूध और मधु वाले देश से हम इन राक्षसों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे, अगर परमेश्वर ने ये भूमि हमें दी है। दैट एटीट्यूड शुड बी डेवलप्ड इन यू। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे समृद्ध होने के लिए बुलाया है, इस समृद्धि के रास्ते में गरीबी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे इधर बुलाया है ना, मैं गरीबी को निकाल के खुद फेंकूंगा। परमेश्वर ने मुझे ये सेवा करने के लिए दिया है, ये सेवा में ये समस्या है, मैं खुद इसको हाथ से निकालकर फेंकूंगा। हालेलुया, ये माइंडसेट होना चाहिए। इसी, दैट इज, यू नो, दैट इज वी कॉल फाइट ऑफ फेथ। इसी को हम बोलते हैं विश्वास की लड़ाई। विश्वास की लड़ाई में आप दूध और मधु के देश से, जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर आप जाएंगे वहां पर नहीं,
जहां पर आप खड़े हैं दूध और मधु वाले देश में, विश्वास की लड़ाई का मतलब होता है दूध और मधु वाले देश से राक्षसों को निकालकर बाहर फेंकना। आप में से कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं दूध और मधु वाला देश मेरा है, मैं विश्वास करता हूं, और आप इसको विश्वास की लड़ाई समझते हैं। नहीं, विश्वास की लड़ाई वो नहीं है। विश्वास की लड़ाई में आपको पता है ये भूमि मेरी है, परमेश्वर ने इसको दिया है, मैं यहां का राजकुमार हूं, परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंपी है, ऊपर से मैं डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री जाता हूं, डोमिनियन करना मेरा काम है।